न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम द यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द टॉपिक इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड जो हम न्यूमेरिकल अब हम करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक के बेस के ऊपर होंगे। और आपने टेंथ में फॉर्मूला पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें 5 जाउल्स वर्क डन गिवन है, तो 5 जाउल ऑफ वर्क लग रहा है किसी पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए 0.5 कूलम उस चार्ज की वैल्यू है बिटवीन द टू पॉइंट्स हमने उसको मूव कराना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स का है, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। तो लिया है वी बी माइनस वी ए, दैट इज़ वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। वर्क डन आपको गिवन है और चार्ज की वैल्यू भी आपको गिवन है, आपने फाइनल आंसर जो है कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर गोल्ड का गिवन है 79, एटॉमिक नंबर जेड के साथ हम डिनोट करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है गोल्ड न्यूक्लियस का। सो चार्ज का हमने हमेशा फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज़ क्यू इक्वल्स टू एन ई। ये हमने टेंथ में पढ़ा था क्यू इक्वल्स टू एन ई। ओके, तो ये टेंथ में हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब हमने क्या करना है, क्यू इक्वल्स टू जेड ई करना है। जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻¹⁹ कूलम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और R हमें गिवन दिया हुआ है रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमने किसी सरफेस का फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है दैट इज़ 1/4πε₀ क्यू डिवाइडेड बाई आर। 1/4πε₀ की जो वैल्यू होती है 9×10⁹ होती है, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेनी है और रेडियस हमें गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है दैट इज़ टू पैरेलल प्लेट्स है जिसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर अपार्ट और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है 60 वोल्ट इस सेटअप अक्रॉस दैम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने इन दो प्लेट्स के बीच जब फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी आर। तो डी वी क्या है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट और जो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है माइनस डी वी बाई डी आर होता है अगर हमने दो प्लेट्स के बीच फाइंड आउट करना है। तो डी वी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और डी आर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना है इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, की पोटेंशियल जो है यहाँ पे डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास चार चार्जेस गिवन है, एक है पॉजिटिव क्यू, दूसरा नेगेटिव क्यू, तीसरा पॉजिटिव क्यू, चौथा माइनस क्यू। तो चार चार्जेस हमें गिवन है, चार कॉर्नर्स पे स्केयर हमें दिया हुआ है ए बी सी डी। यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो चार चार्जेस कॉर्नर्स पे गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू के साथ डोनेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, दैट इज़ 1/4πε₀। ये हमारे पास ए बी सी डी गिवन है। तो पहला क्या होगा, क्यू ए मल्टीप्लाई क्यू बी और डिस्टेंस क्या होगा नीचे ए बी, फिर ए से लेके डायगनल भी हम साथ में लेंगे ए सी, क्यू ए क्यू सी डिवाइडेड बाई ए सी, क्यू ए से लेके फिर डी तक लेंगे नीचे आएगा ए डी, फिर बी से लेके सी तक लेंगे तो नीचे आएगा बी सी, फिर बी डी लेंगे फिर सी डी लेंगे। उसके बाद कि जो ए बी बी सी सी डी ए डी है, जो हमारे पास स्केयर की ये साइड्स हैं इनका डिस्टेंस तो आर है, लेकिन जो डायगनल्स है, डायगनल्स
किसके इक्वल होते हैं, रूट टू मल्टीप्लाई आर के इक्वल होते हैं। डायगनल ऑफ स्केयर क्या होता है, डायगनल ऑफ स्केयर दैट इज़ रूट टू मल्टीप्लाई जो होता है वो डिस्टेंस होता है। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है इस फॉर्मूले में, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर रूट टू माइनस 4 अपॉन आर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर, मतलब 2a गिवन है, 2a आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और आपको एंगल थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है और टॉर्क भी गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डायपोल फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल एनर्जी यू आपने कैलकुलेट करना है। तो जो चीज़ें आपको गिवन है वो आप लिख लोगे, तो टॉर्क आपको गिवन है, तो टॉर्क ऑन ए डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी किया था। अब हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, P कैलकुलेट करना है, तो टो आपको गिवन है, E भी गिवन है, एंगल भी आपको दिया हुआ है, आपके पास क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो आपको पता है कि डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई 2a होता है। हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है यू, क्यू कैलकुलेट करना है, तो पी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, और ए 2a भी आपको गिवन दिया हुआ है, सेंटीमीटर में उसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लो। पोटेंशियल एनर्जी ऑन ए डायपोल क्या होता है, यू इक्वल्स टू माइनस पी ई साइन थीटा, पी आप कैलकुलेट कर चुके हो, ई आपको गिवन है, एंगल 30 डिग्री गिवन दिया हुआ है, तो फाइनल आंसर आपको माइनस 30 जाउल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 जाउल्स ऑफ वर्क डन, 100 जाउल्स का मतलब वर्क डन गिवन है, मस्ट बी सप्लाइड टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आपने मूव करना है 4 कूलम, क्यू जीरो आपको मूव करना है, और पोटेंशियल आपको माइनस में दिया हुआ है, और अनदर प्लेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या है, वी वोल्ट है, हमने इस वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ये फॉर्मूला पहले न्यूमेरिकल में ही हमने किया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, जो गिवन है आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए चार्ज 4 × 10⁻⁷। आपने इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल किसकी वजह से फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पे क्या चार्ज क्या हुआ है, जो कि 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए चार्ज, ये फॉर्मूला भी हमने अभी किया था, सेकेंड न्यूमेरिकल था आज के लेक्चर का, 1/4 πε0 q/r। तो इसकी वैल्यू तो 9 × 10⁹ होती है, क्यों आपको दिया हुआ है, आर भी गिवन है, तो पोटेंशियल एट पी क्या आ जाएगा, 4 × 10⁴ वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक चार्ज आपको 20 μC दिया हुआ है, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज आपको गिवन है, 2 पॉइंट्स है, एक 10 सेंटीमीटर पे है और एक 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो चार्ज है 20 μC का डिस्टेंस एक पॉइंट के साथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे पॉइंट के साथ 5 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट दिस पॉइंट, और अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। तो क्यों आपको दिया हुआ है 20 μC, माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁶ आ जाएगा, एक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, दूसरे का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, दोनों को मीटर में लिखना है। तो पहले वाला जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर लोगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 πε0 q/r1। 1/4 πε0 की वैल्यू गिवन है, क्यू भी आपको गिवन दिया हुआ है 20 μC, r1 जो है डिस्टेंस पहले मैं 10 सेंटीमीटर मतलब उसको मीटर में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करूँगा, तो वी ए आ जाएगा। इसी तरीके से मैं वी बी कैलकुलेट करूँगा दूसरे डिस्टेंस 5 मीटर के हिसाब से, तो आपके पास ये आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अगर मैंने वर्क डन निकालना है तो वर्क डन मैंने कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, तो वी को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज के साथ, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा।